Hey guys, welcome to Mr. Adhir YouTube channel. यार आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. यार हम अपना बॉडी फैट परसेंटेज घर पे बैठे बैठे कैसे जानेंगे, एंड हमें अगर कैलोरी डेफिशिएंट रहना है तो कितना रहना है, और अगर हमें अपना वेट मेंटेन करना है तो कितना कैलोरीज कंज्यूम करना है, इसके ऊपर यार ये वीडियो है. अगर आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज जानना है तो आपको यार खरीदना पड़ेगा एक ये, वरना करना पड़ेगा ये. नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ. आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज घर पे बैठे बैठे जान सकते हैं. कैसे? सी, बॉडी फैट परसेंटेज जो है यार, उसका अभी भी जो सबसे मॉडर्न एंड साइंटिफिक वर्जन है, जो जिससे हम अपना बॉडी फैट परसेंटेज पता कर सकते हैं, उसमें भी यार 5% का लाइक यार गलतियाँ आ सकती है. लाइक 5% इधर उधर हो सकता है. तो इससे हमें ये पता चलता है दैट हमें एक्यूरेटली हमारा बॉडी फैट परसेंटेज जानने की ज़रूरत नहीं है. हमें सिर्फ यार अप्रॉक्स जानने की ज़रूरत है. अगर अप्रॉक्स अपना बॉडी वेट आपको जानना है तो मिरर तो सबके घर पे है. अपना बॉडी टाइप देखो और ये इमेज से कंपेयर करो. ये इमेज के आसपास भी आपका अगर बॉडी टाइप है सो इसी के आसपास आपका बॉडी फैट परसेंटेज रहेगा. सो बॉडी फैट परसेंटेज का काम क्या है यार, इससे सिर्फ आपको ये पता चलेगा दैट आपको अपना वेट लाइक आपको बल्क अप होना है, आपको लीन होना है. इससे आपको सिर्फ ये आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको बल्क की तरफ जाना है या लीन. तो अगर आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज जानना है, मैं फिर से ये पिक्चर आपको डाल देता हूँ. आप पॉज करो, अपना बॉडी टाइप देखो या बॉडी शेप देखो मिरर में, और इससे कंपेयर करो. इस परसेंटेज के आसपास आपका बॉडी फैट परसेंटेज होगा. सो आपको, जैसे कि मुझे अपना बॉडी फैट परसेंटेज मिल गया तो मुझे पता अभी मुझे यार पतला होना, और कब तक पतला होना है यार, बॉडी टाइप जब तक मिल जाए तब तक. यार मुझे अभी पता नहीं है, मुझे 5% बॉडी फैट मेंटेन करना है, 8% करना, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये वाला शेप चाहिए जो शेप है, दैट्स इट. सो अभी चलते हैं, हमें कैलोरीज कितना कंज्यूम करना चाहिए, कितना कैलोरी डेफिशिएंट रहना चाहिए, इसके लिए हम अपने स्क्रीन की ओर चलते हैं. अच्छा, आपको गूगल में जाना है, टाइप करना है कैलोरीज कैलकुलेटर, जो पहला वाला आ जाता है calculator.net, उस पर जाना है. एंड यू सी दिस थिंग, दिस इज़ कैलोरी कैलकुलेटर. US यूनिट्स में आपको जाना है, बिकॉज इट्स ईजियर. जेंडर चेंज जो भी आपको चेंज करना है कर लेना है. लेट्स गो फॉर 21. माई हाइट इज़ समवट अबाउट 5'7", 5'8", अच्छे से पता नहीं, सपोज 5'7". वेट यार बढ़ गया है, सो वी विल टेक समवट अबाउट 187 के आसपास. मॉडरेट यार एक्सरसाइज मॉडरेट ही चलता है. लेट्स कैलकुलेट राइट नाउ. ओके, यू कैन सी ओवर हियर, अगर मुझे सिर्फ वेट मेंटेन करना है सो आई हैव टू डू लाइक 2654 यार मेंटेन रहेगा वेट. उससे धीरे धीरे मैं जितना कम करूँगा, स्लोली स्लोली मेरा कैलोरी उतना डेफिशिएट में मैं रहूँगा. सो दिस इज़ लाइक माइल्ड वेट लॉस के लिए मुझे 2404 कैलोरीज कंज्यूम करना है. अच्छे से वेट लॉस हो उसके लिए 2154, और एक्सट्रीम वेट लॉस जो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा 1654 में. मैं रेकमेंड करता हूँ, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं लाइक 2654 के आसपास, यू कैन कंज्यूम समवेयर अराउंड 2154 कैलोरीज और 2000 कैलोरीज. लाइक अच्छे वेट लॉस के लिए यू कैन गो फॉर दैट. आई नो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, लेकिन मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करना था. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड सायोनारा.